गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बंसा क्लास से राहुल में आप सभी का वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोटेस्टा स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम लोग प्रोटेस्टा को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ लिए थे, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड ओगैमी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट। तो इसके अंदर दो लाइफ साइकिल होती हैं। एक लाइफ साइकिल होती है जो जायगोटिक मियोसिस को शो करती है, जायगोटिक मियोसिस, ठीक है। जायगोटिक मियोसिस के अंदर क्या होता है, जब कोई प्रोटिस्टा कैसा होता है, हैप्लॉइड हो, हैप्लॉइड हो, ठीक है, और उसके अंदर क्या हो, मियोसिस अकर हो, ठीक है, और कहाँ पे हो, उसके जायगोट में। जब जायगोट के अंदर मियोसिस अकर होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस कंडीशन, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखी जाती है, इस साइकिल को बोला जाता है हैप्लो हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डिप्लॉयड फेज अगर देखा जाए तो एक ही होता है, जब जायगोट वाला फेज होता है, केवल ये एक ही डिप्लॉयड फेज होता है, बाकी सारे इसके अंदर हैप्लॉइड फेज होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जायगोटिक मियोसिस, और इसको साइकिल को बोला जाता है हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है क्रेटियम, जिम्नोडियम और सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक। इसके बाद आता है लाइफ साइकिल जो गैमेटिक मियोसिस, ये जायगोटिक हो गया पहला लाइफ साइकिल, दूसरा होता है गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस के अंदर क्या होता है कि जब प्रोटिस्टा कैसा होता है, डिप्लॉइड, प्रोटिस्टा कैसा होता है, डिप्लॉइड, ठीक है, मियोसिस होता है इसके अंदर, किसके अंदर होता है, कब होता है, जब गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे गैमेट के फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस कंडीशन। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, गैमेटिक फेज जो होता है, गैमेटिक फेज जो होता है ना, हैप्लॉइड फेज जो होता है, वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। तो बाकी सारे इसमें और डिप्लॉइड फेज के अंदर ज्यादा होता है, इसलिए साइकिल होते हैं डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसा किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल देखेंगे इसके हम, डायटम्स, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, और नॉक्टिलुका, इन तीनों के अंदर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हैप्लोंटिक और डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डायटम्स, डायटम्स के बारे में जानेंगे। तो डायटम्स जो है इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है, गोल्डन एल्गी, ठीक। अब ये कैसे होते हैं, देखिए डायटम्स जो होते हैं, गोल्डन, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स, इनको क्राइसोफाइट भी बोला जाता है, ठीक है। ये नेचर में कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि जमीन पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं मरीन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं सम, ठीक है।
डायटम्स का मीनिंग क्या होता है? डायटम्स का मतलब होता है, डायटम्स मीन कट इनटू टू, कट इनटू टू, ठीक है। क्योंकि अब मैंने लिखा ना डायटम्स का मीनिंग होता है कट इनटू टू, का मतलब क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक। और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है इनके अंदर, होलो फाइटिक टाइप का, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल है पिन्नुलेरिया, दूसरा एग्जांपल देखते हैं नेविकुला, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करेंगे डायटम्स के स्ट्रक्चर की, शेप की। अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है इसका कैसा, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड, बोट शेप्ड, ठीक। और बेसिकली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली इनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आ जाओ इनकी सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल जो होती है इनकी किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस सिलिका, ठीक है। तो इनकी जो वॉल होती है उसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म क्या बोलते हैं, सिलिकेशियस शेल, सिलिकेशियस शेल, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रिस्ट्यूल, एफ आर यू एस टी यू एल ई, फ्रिस्ट्यूल, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसके चारों ओर पेरिफेरल पे, पेरिफेरल पे लेयर ऑफ साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होती है, ठीक है, और साथ ही साथ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक। अब देखिए अगर हम डायटम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जो सोप बॉक्स होता है ना, ऐसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में टू हाफ्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, टू हाफ्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सोप बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ये। नेक्स्ट आते हैं, इनकी जो वॉल होती है उसमें जब सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो सिलिका की मदद से इनकी वॉल कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। अब देखिए, अब जो डायटम्स होते हैं वो सी के अंदर ना बिल्कुल ज़मीन पे पाए जाते हैं, सी की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, डीपली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए डायटम्स के अंदर पूछा जाता है, डायटम्स के अंदर हमेशा डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक इनके अंदर सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है इनके पास, ठीक है। अब देखिए डायटम्स के पास कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अगर हम बात करें तो डायटम्स के पास क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, ठीक है, और जेंथोफिल, ये प्रेजेंट होते हैं। और जेंथोफिल में कौन सा प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, ठीक। अब जो फ्यूकोजेंथिन होता है इसकी मदद से इसका कलर कैसा हो जाता है, गोल्डन,
ठीक है। अब देखिए डायटम्स के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फूड। डायटम्स के अंदर स्टोर्ड फूड होता है ल्यूकोसिन की फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में, ठीक है। और इनके अंदर मूवमेंट के लिए जनरली जो डायटम्स होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, इमोटाइल टाइप के होते हैं, इमोटाइल टाइप के होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये करते क्या हैं, ये वाटर पे फ्लोट करते हैं, मतलब इनका मूवमेंट कैसा होता है, फ्लोटिंग जैसा होता है, पानी पे तैरते हैं ये, ठीक है, फ्लोटिंग करते हैं, ये फ्लोटिंग करते हैं। अब ये किसकी मदद से फ्लोट करते हैं, इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास स्टोर्ड फैट प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से ये वाटर के ऊपर मूवमेंट कराने में इनको हेल्प मिलती है स्टोर्ड फूड की मदद से, ठीक है। अब अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो डायटम्स के अंदर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो भी किससे, बाइनरी फिशन द्वारा, बाई बाइनरी फिशन, ठीक। अब इसमें आपको बताइए कि बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर देखने को मिलता है इनके अंदर, ठीक। अगर होता है तो कौन सा होता है, गैमेटिक म्योसिस द्वारा, गैमेटिक म्योसिस द्वारा, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, डीएलसी। और इसके अंदर जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप होता है वो कौन सा रहेगा, आइसोगैमी टू ऊगैमी, आइसोगैमी टू ऊगैमी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आइसोगैमी क्या होता है, एनआइसोगैमी क्या होता है, ऊगैमी क्या होता है, ठीक है। अब ये जो डायटम्स हैं इनका यूज क्या होता है, डायटम्स को हम लोग किस किस यूज में यूज करते हैं, नंबर एक साउंड प्रूफिंग में, मतलब ये इतने हार्ड होते हैं क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होता है, इनके साउंड प्रूफिंग ग्लासेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में, ठीक है, स्टोन की पॉलिशिंग में, ठीक। और ये एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह भी काम करता है, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया डायटम्स के बाद, डायटम्स के बाद नेक्स्ट आता है डायनोफ्लैजिलेट्स, नेक्स्ट आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स बेसिकली ये सी में प्रेजेंट होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। इनके ये किस टाइप के दिखते हैं, ग्रीन कॉमा रेड कॉमा ब्लू कॉमा गोल्डन, ठीक, और ब्राउन भी होते हैं, ठीक है। बेसिकली कैसे होते हैं, ये मरीन होते हैं, सी में प्रेजेंट होते हैं, और सी में कहाँ, सी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, इनके अंदर पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन की बात करें तो इनके अंदर कैसे होता है, होलोफाइटिक, होलोफाइटिक टाइप का, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्लेट्स में डिवाइड रहती है, ठीक है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। अब सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है,
इसको हम लोग एरमोल्ड एरमर्ड एल्गी भी बोलते हैं, मतलब एक पूरा लेयर बन जाता है, टफ लेयर बन जाता है, ठीक है। अब डायनोफ्लेजेट्स के अंदर क्या होता है, दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी मदद से इसका जो मूवमेंट होता है ना, उसके मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग रोलिंग वेव्स मूवमेंट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस सेल होती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर से हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट हो गया तो उस टाइप के हम सेल को क्या बोलते हैं, मीजोकैरियोट कहते हैं, क्या बोलते हैं, मीजोकैरियोट, मीजोकैरियोट बोलते हैं, ठीक है। अब जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं इनका रंग कैसा होता है, मैंने बताया था गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं लोग। अब इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए सी जैंथोफिल, ठीक। इनके अंदर फूड का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है, फूड का स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल हो गया नॉक्टिलुका, ठीक है, क्रेटियम, ठीक, गोनायोलेक्स, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, जस्ट बताने के लिए आपको बता चल रहा हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें दो तरीके से फ्लैजेला प्रेजेंट, एक ये देख रहे हैं एक ये देख रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसका पूरा बॉक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस टाइप का जो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है ना, इसी की मदद से इसका जो मूवमेंट होता है वो रोलिंग वेव टाइप का मूवमेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अब देखो डायनोफ्लैजेलेट्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स जनरली क्या काम करते हैं, इसमें आपका होता है नॉक्टिलुका, गोनायोलेक्स, ये क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, यानी कि लाइट, ठीक है, चमकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों चमकते हैं, क्योंकि इनकी सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से ये चमकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, नाइट लाइट बोला जाता है, नाइट लाइट बोला जाता है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी अच्छी होती है, जिससे सी में आराम से सरफेस से फैल जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इससे सी कैसे दिखेगा, रेड टाइट दिखता है, रेड टाइट, ठीक है। और ये कई टाइम पे टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, और इनके टॉक्सिन से क्या होता है, एनिमल्स डेड कर जाते हैं, ठीक। अब देखो अब एक होता है जिम्नोडियम, जिम्नोडिनियम, ठीक है, या फिर गोनायोलेक्स, ये सी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं उसका नाम होता है सेक्सिटॉक्सिन, ठीक है। ये क्या होता है, जो शेल फिश होती है ना, शेल फिश के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से कहाँ जाता है, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। और इनमें भी कहाँ करता था, इनकी मसल्स के अंदर, इनकी मसल्स में स्टोर हो जाता है, और ह्यूमन बॉडी में चला जाता है।
ह्यूमन बॉडी में जब ये चला जाता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके क्या होता है, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। ठीक है, नॉक्टिलुका को हम लोग सी घोस्ट भी बोलते हैं। नॉक्टिलुका जो होता है इसको हम लोग एक नाम से आते हैं, सी घोस्ट के नाम से। ठीक है, और ये क्योंकि रात को चमकता है काफ़ी इसलिए सी घोस्ट बोला जाता है। ठीक है, और फायर जो डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं उनको फायर एलगी भी बोला जाता है क्योंकि ये भी चमकते हैं। ठीक है, तो ये बंसर क्लासेस राउरकेला का वीडियो चल रहा है आपका। ठीक, यहाँ तक आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं, इन दोनों टॉपिक को एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, नोट्स में आपको शेयर कर देता हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लीजिएगा, लर्न करने का है काफ़ी, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय।